गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बी टू ई परीक्षा मंत्रा दिस इज रचना टुडे द टॉपिक्स व्हिच वी आर स्टडिंग आर चेंजेस अराउंड एंड द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि मैम आप सिलेबस जो है जल्दी जल्दी करवा दीजिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को करवा दो तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगी कि जो टॉपिक्स छोटे हैं उन्हें दो तीन एक साथ एक ही वीडियो में करवा करवाती जाऊंगी और जो टॉपिक्स लेंथी हैं तो उसे तो मैं फिर आपको डिवाइड करके ही समझा पाऊँगी इसके अलावा जो मटेरियल मैं आपको समझा रही हूँ ये एच के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है और आप अपना जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसे स्ट्रॉन्ग करें क्योंकि अगर आपका सब्जेक्टिव जो है अच्छा होगा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली ही बनते जाएंगे ठीक है तो चलिए लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक इज़ चेंजेस अराउंड अस, ठीक है एज द नेम ऑफ टॉपिक सजेस्ट जितने भी चेंजेस हमारे आस पास हम होते हुए देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में मैटर में क्योंकि लिविंग थिंग्स में जो चेंजेस होते हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो चेंजेस होते हैं उसका रीज़न तो होता है कि डीएनए एन में चेंज आना डी में अगर कुछ चेंज आता है तो प्लांट्स और एनिमल्स में चेंजेस होते हैं तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसके बारे में किसी और टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैटर में किसी भी नॉन लिविंग थिंग मैटर में मटीरियल uh, में अगर चेंज uh, आता है तो उस चेंज uh, का क्या रीज़न है ठीक है सम चेंजेस कैन बी सीन रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड तो जो चेंजेस हम आस पास देखते हैं वो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं इनिशियल स्टेज में और कुछ जो होते हैं चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं होते ठीक है तो जो मटीरियल में जो चेंज हो रहा है या सबस्टांस में जो चेंज हम देख रहे हैं उस चेंज का रीजन क्या है इट अकर बाई हीटिंग सबस्टांस या तो जो सब्सटांस है वो हीटिंग की वजह से चेंज हो रहा है ठीक है और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर या जो मटेरियल है सब्सटेंस है वो किसी और के साथ मिक्सअप होने की वजह से उसमें क्या है चेंज आ रहा है तो जो रीज़न है चेंजेस के वो हैं बाय हीटिंग और बाय मिक्सिंग ठीक है इसके अलावा द चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स रिवर्सिबल चेंज इरिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंज अब ये होता क्या है अ रिवर्सिबल चेंज इज अ चेंज दैट इज मेड फिजिकली रिवर्सिबल चेंज जो है हम फिजिकली करते हैं एंड दैट कैन बी अंडन और रिवर्स्ड ठीक है हम रिवर्सिबल चेंज को रिवर्स्ड कर सकते हैं वापस से उसे इनिशियल स्टेज में ला सकते हैं ओके सो रिवर्सिबल चेंज इज अ चेंज दैट इज मेड फिजिकली एंड दैट कैन बी अंडन और रिवर्स्ड वेयर एज इ रिवर्सिबल चेंज इज अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इसे हम रिवर्स्ट नहीं कर सकते ठीक है सो हेयर अ न्यू इज फॉर्मड तो यहाँ पर क्या है चेंज के बाद एक नया सब्सटेंस बन जाता है ठीक है अब एग्जाम्पल्स के द्वारा एक बार हम इसे समझ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अ बैलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इन टू इट जैसे कि अगर हम बैलून में एयर ब्लो करते हैं तो जो बैलून है वो क्या है इनफ्लेटेड uh, हो जाता बैलून uh, जो है आपका बैलून जो है आपका क्या हो जाता है इनफ्लेटेड हो जाता है फूल जाता है और उसका शेप और साइज क्या हो जाता है चेंज हो जाता है लेकिन जैसे ही आप एयर उसमें से रिलीज कर देंगे एयर रिलीज होते ही जो बैलून है दोबारा से अपने उसी शेप और साइज में आ जाएगा ठीक है और अगर हम इरिवर्सिबल चेंज में देखें तो बर्स्टिंग ऑफ बैलून फील्ड विद एयर एक बैलून जिसमें एयर फील्ड है अगर आप उसे बर्स्ट कर देंगे तो क्या वो इनिशियल स्टेज में आ पाएगा नहीं ना तो वो बर्स्टिंग ऑफ बैलून फील्ड विद एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल अ टॉय एरोप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर एक पेपर से फोल्ड करके हम एरोप्लेन बनाते हैं और अगर हम एरोप्लेन को अनफोल्ड कर दें तो फिर से वो क्या है आपको पेपर वैसे ही मिल जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप ठीक है लेकिन अगर आप पेपर को काट के एरोप्लेन बनाएंगे तो पेपर को काट के अगर आप एरोप्लेन बनाएंगे तो आप दोबारा से फिर उस एरोप्लेन से क्या है पेपर नहीं बना सकते क्योंकि वो कट गया एक बार पेपर कट गया और उससे एरोप्लेन बन गया तो फिर आप कैसे एरोप्लेन से उस पूरे पेपर को कैसे बना सकते हैं नहीं बना सकते ठीक है सो एन एरोप्लेन कट आउट बाय पेपर इज एन इिवर्सिबल चेंज नेक्स्ट इज टेक अ बॉल ऑफ डफ एंड रोल्ड आउट अ रोटी ठीक है अगर आप डफ़ लेते हैं अगर आप आटा की एक लोई लेते हैं तो उस लोई से आप क्या है एक रोटी बना सकते हैं ठीक है उसे बेक नहीं करना है क्योंकि अगर बेक कर देंगे तो तो फिर आप उसे तो वो इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या है कि अगर आप आटा की लोई से अगर आप रोटी बनाते हैं तो और रोटी से फिर आप क्या है उस उसको फिर से आप उसकी लोई बना सकते हैं सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज ठीक है लेकिन बेक द रोटी ऑन तवा अगर आप रोटी को बे, बेक कर देते हैं तो फिर तो एक नया प्रोडक्ट मिल गया ना आपको तो फिर आप उसे इनिशियल स्टेज में डफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते नेक्स्ट इज हीटिंग ऑफ़ टूल्स बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स टूल्स को हम क्या करते हैं हीट करते हैं टूल्स को हीट करने से क्या होता है कि जो टूल uh, है वो क्या हो जाता है एक्सपेंड कर जाता है और एक्सपेंड करने से वहाँ पर क्या हो जाती है एक स्पेस uh, क्रिएट हो जाती है ठीक है एक स्पेस क्रिएट हो जाती है टूल को हीट करने से ठीक है ओपन हो जाता है वो ठीक है जिससे आप क्या कर सकें वुडन हैंडल आप क्या कर सकें वहाँ पर फिक्स कर सकें इंसर्ट कर सकें और वुडन हैंडल इंसर्ट करने के बाद फिर से फिर टूल को क्या कर दिया जाता है कूल cool कर दिया जाता है ताकि जो वुडन हैंडल है उसकी ग्रिप क्या हो सके स्ट्रॉन्ग uh, हो सके वो जो है टाइटली फिट हो सके उस टूल में ठीक है तो दिस इज़ uh, तो इस तरह से क्या है हम टूल को हीट कर रहे हैं ताकि uh, वो एक्सपेंड हो सके और फिर उसके बाद एक्सपेंड होने के बाद जब उसे हम कूल cool कर रहे हैं तो वो वापस से अपनी पोजीशन में आ रहा है ठीक है सो दिस इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल ओके नेक्स्ट इज कार्ट व्हील कार्ट व्हील को कार्ट व्हील विद मेटल रिम इसमें भी ऐसी होता है जो कार्ट व्हील है ऐसा होता है कार्ट व्हील तो कार्ट व्हील के चारों तरफ अगर हमें एक रिम लगानी है मेटल की तो मेटल रिम को पहले क्या करते हैं हम हीट करते हैं ताकि जो मेटल रिम है क्या हो जाए एक्सपेंड हो जाए और एक्सपेंड होने से क्या है वो मेटल कार्ड के जो चारों तरफ क्या हो जाती है अच्छे से फ़िक्स हो जाती है और फ़िक्स होने के बाद फिर क्या है हम उसके ऊपर कोल्ड वाटर डाल देते हैं ठंडा पानी डाल देते हैं जिससे जो मेटल रिम है क्या है अच्छे से टाइटली उस पर फिट बैठ जाए और ठीक है उससे फिर रिमूव ना हो सके ठीक है और अगर हम उसको तो इससे इस क्या पता लग रहा है कि इससे ये पता लग रहा है कि मेटल रिम को पहले हमने एक्सपेंड किया हीट करके और जैसे हमने उसको कूल cool किया तो वापस से वो अपनी पोजिशन पर उसके पार्टिकल्स जो हैं वो वापस से अपनी पोजिशन पर आ गए ठीक है सो दिस इज रिवर्सिबल वेयर एज अगर हम इरिवर्सिबल में देखें तो बर्निंग ऑफ कैंडल कैंडल को अगर हम बर्न करते हैं तो हम वापस दोबारा से उसे हम इनिशियल uh, स्टेज या उस कैंडल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और बर्निंग के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं सारे इ रिवर्सिबल में आते हैं ये भी आप ध्यान रखना ठीक है बर्निंग ऑफ इंसेंस इंसेंस्टिक अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो ऐश से आप क्या दोबारा अगरबत्ती बना सकते हैं नहीं ठीक है सो दिस इज रिवर्सिबल मिल्क टू कर्ड मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं लेकिन कर्ड से हम दोबारा मिल्क नहीं कर सकते नहीं बना सकते ठीक है सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इ चेंज ठीक है वैसे ही आइस टू वाटर आइस को अगर हम हीट करते हैं तो आइस वाटर uh, में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर को अगर आप हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा सो दीज आर रिवर्सिबल चेंज ठीक है हीटिंग ऑफ कोल टार फॉर रोड कंस्ट्रक्शन जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो जो एक ब्लैक कलर्ड मटीरियल होता है कोल टार क्या है एक ब्लैक कलर्ड मटीरियल है इट मेल्ट इन टू अ ब्लैक लिक्विड ठीक है इसे जब आप हीट करते हैं कोल टार को हीट किया जाता है और ये मेल्ट होता है एक ब्लैक लिक्विड में ठीक है और उसको फिर उसके बाद उसको क्या करल टार को क्या है जब वो ब्लैक लिक्विड में मेल्ट uh, हो जाता है तो उसे रोड पर क्या करते हैं स्प्रेड कर देते हैं और रोड पर स्प्रेड होने के बाद वो फिर से क्या हो जाता है सोल्डिफाई जब वो कूल cool हो जाएगा uh, तो वो क्या हो जाएगा फिर से सोलडिफाई कर जाता है कोल टार ठीक है तो इस तरह से कोल टार का हम यूज़ करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में पहले हीट कर देते हैं हीट करने से वो ब्लैक uh, लिक्विड में मेल्ट uh, कर जाता है और ब्लैक लिक्विड को फिर हम क्या करते हैं पूरा स्प्रेड कर देते हैं रोड पे और फिर देन उसके बाद जब वो कूल cool हो जाता है तो फिर से वो सॉलिडिफाई कर जाता है ठीक है एंड इंसेंसटिक जैसे मैंने आपको ये अगरबत्ती का एग्ज़ाम्पल बताया कि एंड इंसेंस्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस न्यू मटीरियल कि जब अगरबत्ती को बर्न किया जाता है तो उससे दो मटीरियल क्या क्या बनते हैं उससे मटीरियल बनता है गैसेज एंड ऐश तो गैसेज तो हमें दिखाई नहीं देती उसकी हमें खुशबू आती है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ अरे यार अगरबत्ती जलाई तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है ठीक है और ऐश ऐशेस तो हमें दिखती ही हैं जब अगरबत्ती आपकी पूरी जल जाती है तो आपको ऐशेस आपको दिखती हैं ठीक है मिलती है आपको बाद में ठीक है सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज ओके नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स प्लांट्स के बारे में हम जानते हैं ठीक है प्लांट्स आप सब अपने आसपास देखते ही हैं ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम तो प्लांट की स्टेम की बेस के अकॉर्डिंगली के स्टेम का साइज कैसा है शेप और हार्डनेस इन तीनों चीज़ों के बेसिस पर एंड ब्रांचेस स्टेम की जो ब्रांचेस होती हैं फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम कि स्टेम का साइज कैसा है शेप और हार्डनेस के बेसिस पे और ब्रांचेस के ओरिजन के बेसिस पे कि ब्रांचेस का ओरिजन उर, जो है वो ग्राउंड के uh, मतलब ग्राउंड यानी के के क्लोज हो रहा है या ग्राउंड के क्लोज जो ब्रांचेस हैं ओरिजिनेट हो रही हैं या फिर स्टेम के अपर हायर पार्ट पे ब्रांचेस का ओरिजिन हो रहा है इसके बेसिस पे जो प्लांट्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के प्लांट्स होते हैं दैट इज हर्ब श्रब एंड ट्री हर्ब्स हर्ब्स जो हैं स्मॉल प्लांट्स होते हैं ठीक है हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम टेंडर मीन्स सॉफ्ट ठीक है स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम है क्या होती है ग्रीन होती है और सॉफ्ट होती है ठीक है आर कॉल्ड हर्ब्स फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है हर्ब्स के फॉर एग्जाम्पल टोमेटो ब्रिंजल चिली ठीक है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हर्ब्स के नेक्स्ट इज श्रब श्रब्स मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं ठीक है हर्ब्स स्मॉल साइज हो गए श्रब क्या है मीडियम साइज प्लांट्स हैं ठीक है मीडियम साइज प्लांट्स इनकी स्टेम कैसी होती है हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस इन श्रब्स जो प्लांट्स हैं इनकी जो स्टेम है वो बेस के आ, नियर यानी कि बेस जो होता है स्टेम का जो बेस होता है इसकी ब्रांचेस वहां से ओरिजिनेट होती है ठीक है द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिंग और जो स्टेम है ज़्यादा हार्ड नहीं होती और नॉट वेरी थिक ठीक है और जो स्टेम की जो ब्रांचेस हैं वो क्योंकि स्टेम के बेस से ओरिजिनेट हो रही हैं ठीक है स्टेम के बेस से ओरिजिनेट हो रही हैं इस तरह से तो इसका जो अपीयरेंस आता है वो कैसा आता है बुशी अपीयरेंस झाड़ी जैसा झाड़ी नुमा पौधे भी इनको हम कहते हैं इस तरह से क्योंकि बेस से ओरिजिनेट होंगी इसकी ब्रांचेस तो इसका जो अपीयरेंस आएगा वो कैसा आएगा बुशी बुशी अपीयरेंस ठीक है तो इन्हें बुशी प्लांट्स प्लान्स कहते हैं श्रब्स को एग्जाम्पल क्या है एग्ज़ाम्पल है जैसे लेमन लेमन तुलसी ठीक है तुलसी भी इसमें आ जाएगा इसके अलावा रोज़ हाँ रोज़ भी श्रब है ठीक है क्वेश्चन आते हैं कि हर्ब हर्ब में कौन से मतलब आपको हर्ब श्रब्स के एग्जाम्पल्स थोड़े पता होने चाहिए क्योंकि पूछ लेते हैं कि तुलसी हर्ब है या श्रब है रोज़ हर्ब है या श्रब है तो आपको ध्यान रखना है कि तुलसी रोज लेमन ये एग्जाम्पल्स हैं श्रब के नेक्स्ट इज ट्री ट्री तो आप अपने आसपास देखते ही हैं क्या होते हैं टॉल होते हैं ठीक है तो हर्ब्स हैं स्मॉल प्लांट्स श्रब है मीडियम साइज प्लांट्स और ट्री हैं टॉल प्लांट्स श्रब्स हर्ब्स की जो स्टेम है वो सॉफ्ट और ग्रीन होती है श्रब की स्टेम क्या होती है नॉट हार्ड नॉट वेरी थिक और बुशी अपेरेंस होता है जबकि जो ट्री हैं वेरी टॉल होते हैं ठीक है एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम ठीक है हार्ड थिक ब्राउन स्टेम होती है द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड और इनकी uh, इन प्लांट्स में जो स्टेम की ब्रांचेस हैं वो अपर पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं मतलब जैसे श्रब में तो ग्राउंड लेवल के पास से ब्रांचेस ओरिजिनेट होती थी और यहाँ पर मच अबव द ग्राउंड यानी ग्राउंड के काफ़ी ऊपर ऊपरी भाग से जो हैं स्टेम की ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं फॉर एग्जाम्पल मैंगो ठीक है पीपल ओके प्लांट विद वीक स्टेम कि जिन प्लांट्स की स्टेम क्या होती है वीक होती है वो थ्री टाइप्स के होते हैं बच्चों फर्स्ट है क्रीपर्स क्रीपर्स होते हैं दे कांट स्टैंड अपराइट ये जो प्लांट्स हैं ये अपराइट uh, स्टैंड या इरेक्ट uh, खड़े नहीं हो पाते हैं स्टैंड अप नहीं कर पाते हैं एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड कॉल्ड क्रीपर्स और ग्राउंड में ग्राउंड uh, लेवल पे क्या हो जाते हैं अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं क्योंकि ये अपराइट स्टैंड नहीं कर पाते तो ग्राउंड पर अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स और एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे इसमें एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स आर वाटर मेलन वाटर मेलन क्रीपर में है ठीक है इसके अलावा स्वीट पटेटो ठीक है पंपकिन ये कुछ क्रीपर के एग्ज़ाम्पल हैं ठीक है नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स ठीक है क्लाइंबर्स एज द नेम सजेस्ट दे टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर ये वो प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम वीक तो होती है लेकिन जैसे ही आसपास कोई स्ट्रक्चर इनको सपोर्ट के लिए मिलता है ये क्या कर जाते हैं क्लाइम कर जाते हैं ठीक है और ये क्लाइंब करने के लिए कुछ आ, एक कुछ स्पेशल स्पेशल कॉयलिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ठीक है कॉयलिंग स्ट्रक्चर ये क्लाइंबर्स क्या करते हैं प्लांट में बनाते हैं और उन उनइलिंग स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं टेंड्रिल क्या कहते हैं स्पेशल कॉइलिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लाइंबर्स और उस स्पेशल क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेंड्रिल ठीक है टेंड्रिल जो है नैरो ग्रीन कलर्ड एक स्ट्रक्चर होता है बहुत बहुत माइंड मतलब नैरो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर होता है जैसे ही सपोर्ट मिलता है तो ये टेंड्रिल के हेल्प से क्या कर जाते हैं ऊपर की तरफ राइज अप कर जाते हैं और स्टैंड मतलब राइज अप कर जाते हैं तो ऊपर की तरफ क्या कर जाते हैं उसके सपोर्ट से अपने आप को वर्टिकली ग्रो कर लेते हैं ओके okay? और क्लाइंबर्स uh, के एग्जाम्पल हैं जैसे मनी प्लांट ठीक है मनी प्लांट तो आप देखते हैं सब इसके अलावा इसके अलावा बीन्स में ऐसा होता है ठीक है और uh, बीन्स के बीन्स में ऐसा होता है और कोकुम्बर में ऐसा होता है ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखें एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़ तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप क्लाइंबर्स के ध्यान रखें जैसे मनी प्लांट ठीक है बीन्स कोकुम्बर तो इसे आप ध्यान रखना और इसके अलावा क्रीपर के भी एग्जाम्पल आप ध्यान रखना वाटर मेलन ठीक है स्वीट पटेटो और इसके अलावा थर्ड टाइप भी होता है जिसे कहते हैं ट्विनर्स ठीक ट्विनर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है लेकिन क्या है डिफरेंस के क्लाइंबर्स क्या है स्पेशल क्वाइलिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं टेंट्रिल लेकिन ट्वाइनर्स क्या क्या है ऐसे प्लांट्स हैं जो कि क्वाइल तो करते हैं लेकिन क्या है कोई स्पेशल क्वाइलिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते ठीक है जैसे ही इनको कोई सपोर्ट मिलता है ये क्या कर जाते हैं उसके चारों तरफ क्वाइलिंग की इस तरह से कॉइल कर जाते हैं उस सपोर्ट के चारों तरफ और ऊपर की तरफ ऊपर की डायरेक्शन में क्या है राइजअप कर जाते हैं तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं ट्विनर्स ओके इसका एग्जाम्पल आ जाएगा इपोमिया इपोमिया एक प्लांट होता है ठीक है आईपोमिया ठीक है इपोमिया ठीक है एक ऐसा प्लांट है ठीक है इसमें ट्विनर्स का ये एग्जाम्पल है ठीक है नेक्स्ट स्टेम स्टेम इज द अपर स्टेम इज द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट ठीक है अंडरग्राउंड पार्ट इज रूट अंडरग्राउंड पार्ट क्या होता है रूट ठीक है पार्ट अबव द सॉइल इज कॉल्ड स्टेम ठीक है एंड स्टेम बीयर ब्रांचेस एंड ब्रांचेज बीयर लीफ एंड फ्लावर्स ओके सो द फंक्शन ऑफ स्टेम इज कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड ठीक है स्टेम जो है कंडक्शन करता है ठीक है वाटर और मिनरल क्योंकि वाटर और मिनरल कहाँ होते हैं सॉइल में होते हैं तो सॉइल से जो वाटर एंड मिनरल आते हैं कहाँ रूट एब्जॉर्ब करता है और रूट एब्जॉर्ब करके वाटर एंड मिनरल को कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है उसका स्टेम है और स्टेम फिर बाकी पार्ट्स में वाटर और मिनरल का क्या करते हैं कंडक्शन करते हैं ठीक है ट्रांसपोर्ट है? करते हैं उसका वैसे ही लीफ क्या करते हैं फूड प्रिपेयर करते हैं और लीफ से जो फूड है वो कहाँ आता है ब्रांचेस में और ब्रांचेस से स्टेम में और फिर स्टेम क्या करता है उसे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में उसका कंडक्शन करता है स्टेम ठीक है तो इस तरह से जो स्टेम है वो वाटर मिनरल और फूड का क्या करता है कंडक्शन करता है ट्रांसपोर्ट करता है नेक्स्ट लीफ लीफ के क्या पार्ट्स होते, है? होते हैं पेटियोल लेमिना ब्लेड वीन्स ठीक है मिड्रिप ये पार्ट्स होते हैं लीफ के अगर मैं आपको डायग्राम बना के बताऊँ लीफ का जैसे ये स्टेम है ठीक है ये तो स्टेम है स्टेम के जिस पार्ट से जैसे ये है लीफ ठीक है तो ये वाला पार्ट जो है दैट पार्ट इज कॉल्ड पिटियोल ठीक है इस पार्ट को कहते हैं पिटियोल ये वाला जो ये जो मैंने बनाया है ये क्या है मार्जिन ठीक है इसे क्या कहते हैं मार्जिन देन उसके बाद उसके बाद बीच में जो ये लाइन होती है दैट इज कॉल्ड रिब साइड में जो ये लाइन बनाते हैं इस तरह से ये होती हैं वीन्स ठीक है वीन्स कहते हैं और वीन्स के साइड से और छोटी छोटी लाइन्स होती हैं इसे क्या कहते हैं हम विन्यूल्स ठीक है वीन्स ऑफ विन्यूल्स कहते हैं ठीक है न्स ये जो बीच वाला जो पार्ट है दैट इज़ मिडरेब ये साइड से जो लाइंस हैं ये वीन्स होती है और वीन्स से भी कुछ लाइंस इस तरह से निकली रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं विनीूल्स कहते हैं ठीक है वीन्स ऑफ विनीूल्स ठीक है इसके अलावा ये हो गया टिप हाँ और ये पूरा का पूरा जो लीफ का ये पूरा पार्ट ये हो जाता है लेमिना बोलते हैं या ब्लेड भी बोलते हैं इसे हम ठीक है और बाकी ये लीफ बेस है ठीक है और ये वाला पार्ट जिस पार्ट से आ, स्टेम से जुड़ा है लीफ ये तो मैंने आपको बताई दिया ये होता है पिटियोल ठीक है तो इस तरह से आप ये कुछ पार्ट्स हैं लीफ के विनेशन विनेशन क्या होता है विनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स ठीक है लीफ में वीन्स का अरेंजमेंट कैसा है दैट इज कॉल्ड विनेशन विनेशन इज ऑफ टू टाइप रेटिकुलेट एंड पैरल ठीक है अगर लीफ में जो ये वीन्स हैं ठीक है ये वीन्स अगर इस तरह से अरेंज हैं ठीक है थीके? उसके बाद इस तरह से नहीं। और हाँ तो अगर तो लीफ में वीन्स आर अरेंज रैंडमली या वीन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली टू फॉर्म अ नेटवर्क ठीक है यहाँ पर जो वीन्स हैं वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या इरेगुलरली इधर उधर मतलब डिस्ट्रीब्यूट हैं और इससे क्या हो रहा है एक नेटवर्क बन रहा है ठीक है ट रेटिकुलेट विनेशन दिन इेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू फॉर्म अ नेटवर्क ठीक है और ऐसा होता कहाँ है रेटिकुलेट विनेशन होता है डाइकॉट्स में ठीक है एंगजियोस्पम्प में क्वेश्चन पूछते हैं कि रेटिकुलेट विनेशन किस में होता है तो रेटिकुलेट विनेशन होता है डायकॉट्स प्लांट में Whereas, pallor venation, pallor venation में क्या होता है पैलरविनेशन में जो हैं, वो इस तरह से पेलरली अरेंज होती हैं ठीक है? Arrange होती हैं। और यहाँ पैलरविनेशन uh, का जो एग्जाम्पल है that, uh, is monocots. Monocot plant में पैलरविनेशन होता है ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लीव से एक्सेस वाटर जो प्लांट का वो लीव से लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन ओके द एक्सेस वाटर इन द प्लांट इज लॉस्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन फोटोसिंथिस आप पता ही है फोटोसिंथिस इज द प्रोसेस बाई विच प्लांट कैन मेक दियर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओके नेक्स्ट इज रूट रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ दी प्लांट ठीक है फंक्शन क्या है रूट का एब्जॉर्ब्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना सॉइल से होल्ड द प्लांट इन द सॉइल फैमिली ठीक है प्लांट की पकड़ बना के रखता है सॉइल में ठीक है जिसके वजह से प्लांट आपका एक इरेक्ट स्टैंड अप रहता है ठीक है टू एंकोर द प्लांट टू द सॉइल ठीक है टैप रूट सिस्टम जो अब रूट है रूट्स टू टाइप्स की रूट्स होती हैं टैप रूट सिस्टम एंड फाइबरस रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम में क्या होता है टैप रूट सिस्टम में एक मेन स्टेम होती है ठीक है ये एक मेन स्टेम है जिसे आप प्राइमरी रूट भी बोलते हैं और मेन रूट भी बोल सकते हैं ओके okay? एक प्राइमरी और मेन रूट होती है और इस मेन रूट से क्या है बाकी जितनी भी साइड वाली जो ब्रांचेस हैं जैसे आप लेटरल ब्रांचेस कहते हैं तो वो लेटरल ब्रांचेस इस मेन रूट से क्या हो जाती हैं ओरिजिनेट होती हैं इस तरह से ठीक है जैसे होता है कैरेट में होता है ठीक है टर्निप में होता है ठीक है इस तर, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें इस तरह का जो सिस्टम है रूट सिस्टम इस तरह का होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है एक मेन रूट होती है जिसे आप प्राइमरी रूट या मेन रूट कहते हैं और इससे बाकी लिटरल ब्रांचेस का औरिजन इस प्राइमरी रूट से होता है ठीक है और ऐसे दिस सिस्टम हैज़ रेटिकुलेट विनेशन और ऐसे सिस्टम जिन प्लांट जिन प्लांट्स में टैप रूट सिस्टम होता है उन प्लांट्स में uh, की लीव्स में वेनेशन जो होता है रेटिकुलेट होता है एग्जाम्पल बता दिया मैंने कैरेट तरने ठीक है स्वीट पटेटो नेक्स्ट इज़ फाइब्रस रूट फाइब्रस रूट जो होता है डो हैव एनी मेन रूट इसमें कोई मेन रूट नहीं होती ऑल रूट्स सीन सिमिलर एंड कॉल्ड फाइब्रस रूट ठीक है ये ऐसा होता है कि इसमें कोई मेन रूट तो है नहीं सारे के सारे रूट्स जो है सारी एक जैसी दिखती हैं इस तरह से ठीक है इस तरह से सारे के सारे रूट्स ओरिजिनेट होती हैं इनका ऐसे बुशी जैसा होता है ठीक है इस तरह से अलग अलग औरिजन है इनका कोई एक मेन रूट नहीं है ठीक है इस तरह का अपीयरेंस आता है फाइब्रस रूट का ठीक है सारे देखने में एक जैसी होती हैं सारे के सारे रूट और इसे ही आप क्या कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं एग्जांपल है फाइब्रस रूट का एग्जांपल है आपका जैसे कि शुगर केन में होता है ऐसा ठीक है बीट रूट में ऐसा होता है ठीक है नेक्स्ट इज एडिबल रूट ठीक है कुछ रूट्स क्या हैं कुछ रूट्स वैसे तो रूट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है दैट इज एब्जॉपन ऑफ वाटर एंड मिनरल लेकिन सेकेंडरी फंक्शन जो है कि कुछ रूट्स क्या है मॉडिफाई ऐसे कर गई हैं कि उसमें क्या होता है फूड स्टोर होता है ठीक है तो ऐसी रूट्स जिसमें फूड स्टोर होता है तो एडिबल रूट्स जो हैं दैट इज कैरेट रेडिश स्वीट पटेटो टर्निप एंड टोपोइका ठीक है नेक्स्ट इज फ्लावर फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट ठीक है रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट का और फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं जो बाहर आप अगर एक फ्लावर को देखें तो फ्लावर के एक नीचे लीफ लाइक -like कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अ बर्ड ठीक है आउटसाइड द पैटल्स ठीक है एक बर्ड जैसा एक पार्ट लगता है आपको ठीक है और तो उसे कहते हैं सेप्पल्स सेपल्स के अंदर आपको कलरफुल जो पार्ट आपको नज़र आता है ठीक है रेड ऑरेंज इस तरह के कलर जो आपको नज़र आते हैं ठीक है जैसे आप हिंदी में पंखुड़ियाँ कहते हैं तो उसे कहते हैं आप पैटल्स द कलरफुल एंड प्रामोनेंट पार्ट ऑफ एन ओपन फ्लावर ठीक है स्टेमन स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट पार्ट ऑफ अ फ्लावर सॉरी ठीक है इसमें स्टेमन जो है आपका बना होता है एंथर और फिलामेंट से मिलकर फिलामेंट इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और उसके ऊपर एंथर्स इस तरह से इस तरह से ये होता है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को आप कहते हैं फिलामेंट और ऊपर से इस तरह के एंथर लगे होते हैं ठीक है तो ऊपर जो अपर पार्ट है दैट इज एंथर और नीचे वाले जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज फिलामेंट और एंथर और फिलामेंट से बनता है स्टेमन एंड स्टेम इज द मेन स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर ठीक है वैसे ही नेक्स्ट इज पिस्टल कार्पल कार्पल और पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर और पिस्टल के थ्री पार्ट होते हैं अपर पार्ट इज स्टिग्मा एंड द लोएस्ट पार्ट इज ओवेरी और इन बिटवीन देयर इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टाइल ठीक है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका लोएस्ट पार्ट इज ओवेरी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल एंड ऊपर अब अपर पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा ओके ओव्यूल्स आर लोकेटेड इन द ओवेरी और जो हैं वो ओवेरी uh, के अंदर सिचुएटेड होते हैं और आफ्टर uh, जो आपको इतना भी ये भी पता होना चाहिए कि ओवेरी से जो है आपका फ्रूट uh, बनता है आफ्टर पॉलिनेशन ओके और ओव्यूल से सीड बनता है ठीक है तो सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल्स एंड फ्रूट आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओवेरी ओके तो दीज आर द टॉपिक्स ट uh, I am teaching to you. आज ये टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं चेंजेस अराउंड अस और पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू